को करारा झटका लगा है। महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। महागठबंधन को कुल 47 सीटों पर जीत मिली है, तो अब उसी को लेकर लगातार बिहार में भी सियासत तेज है। बिहार में जितने भी जो विपक्षी दल के नेता है, जो महागठबंधन के सदस्य हैं, वो खुशी मना रहे हैं। इसी बीच अब तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव राजद के बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि बिहार में भी झारखंड वाला हाल होने वाला है। हम आपको उनका ये ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। आप देखिए, उन्होंने लिखा है, लिखकर रख लीजिए, जो हाल झारखंड में रघुबर दास का हुआ, वही हाल 2020 में बिहार में नीतीश कुमार का होने वाला है। तो तेज प्रताप यादव ने यह ट्वीट किया है झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि झारखंड में रघुवर दास जो कि बीजेपी के थे, वहां के वो सीएम थे, उन्हें भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो हार चुके हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार जो है वो गिर चुकी है। अब महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो इसी बीच तेज प्रताप यादव ने ये कह दिया है कि लिखकर ले लीजिए, बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ रघुवर दास जैसा हाल होने वाला है। तो सीधे सीधे तेज प्रताप यादव ये कहना चाहते हैं कि बिहार में भी एनडीए को बहुत ही करारा झटका लगने वाला है, क्योंकि 2020 में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर जो तमाम राजनीतिक दल है वो तैयारी में लग चुके हैं। राजद के तरफ से लगातार सरकार को कोसा जा रहा है, तमाम जो कमियां है वो गिनाई जा रही है। वहीं सरकार के तरफ से लगातार कई योजनाओं को चलाया जा रहा है। अगर हम सीएम नीतीश कुमार की बात करें, तो सीएम नीतीश कुमार बीते कई महीनों से जल जीवन हरियाली योजना के तहत वो कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष है, तमाम कमियों को लेकर सरकार को घेर रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्या तमाम मामले जो हैं केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो उसको लेकर बिहार में भी देश भर में सियासत जो तेज है उसका भी कुछ असर होगा, या तेज प्रताप यादव जो हैं उनकी भविष्यवाणी सच होगी, देखने वाली बात होगी। इन तमाम चीजों से अपडेट हम आपको रख रहे हैं। झारखंड चुनाव के बाद वहां के हालात और बिहार की सियासत पर क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।